प्यारे दोस्तों, आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और हम बात करने वाले हैं रिलेशन के पार्ट टू की। तो अगर आपने रिलेशन वन का वीडियो नहीं देखा तो रिलेशन का जो फर्स्ट वीडियो है मेरा, उसको देखिएगा। लेकिन एक बार मैं हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाट इज़ अ रिलेशन। तो रिलेशन एक सेट ए से बी में डिफाइंड है, तो रिलेशन उसका ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये लास्ट क्लास में हमने बताया। अब आपको सबसेट्स भी मालूम होंगे कि अगर ए कोई सेट है जिसमें 2, 3, 4 तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए मतलब सेट ऑफ सबसेट्स, क्या होता है ये, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो आपको मालूम है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो ये लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो 2 to the power में आ जाते हैं, तो वो उसके सबसेट्स हो जाते हैं। तो अगर आर इसका सबसेट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन कितने हो जाएंगे, तो रिलेशन इज वॉट, रिलेशन इज अ सबसेट, दिस सिंबल इंडिकेट्स सबसेट्स, सबसेट्स। तो आर बीइंग अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन इन नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सपोज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर एन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यू नो कितने होते हैं, वो m into n होते हैं, m into n। therefore नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे अपने पास, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power m into n, 2 to the power m into n। अगर ऐसा है आपके पास, ये वेरी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रिलेशन डिफाइंड है R में, इफ R इज अ रिलेशन, नंबरिंग कर देते हैं हम, एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, दूसरा कंसेप्ट, इफ R इज डिफाइंड ऑन A, A इसका क्या मतलब है कि R एक रिलेशन है और वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ है, A से A में डिफाइंड है, A से A में डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन, देन नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A। और मान लीजिए कि अगर A, इफ A कंटेन्स m एलिमेंट्स, A में m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए में होंगे m into m, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 to the power m स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने इतनी स्पेसिफिक बात इस विषय पे नहीं की थी, तो उसमें कुछ स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और कुछ बेस क्वेश्चंस जो आपकी समझ को बढ़ाते थे वो हमने डिस्कस किए हुए थे। और लास्ट क्लास में आपसे मैंने डिस्कस किया कि अगर एक रिलेशन ए पे डिफाइंड हो, ए पर रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, आर ऑन ए, आर एक ए पर डिफाइंड है, तो आर को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, जब आपके पास सबसे पहले क्या करोगे, आप ए क्रॉस ए निकालोगे, आर क्या होगा उस ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो रिफ्लेक्सिव जब बोलोगे आप, जब सारे ए कॉमा ए किसके अंदर होंगे, सारे ए कॉमा ए आर के अंदर होंगे, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जबकि ए सारे किस में होंगे, ए में। तो एक एग्जांपल भी देखते हैं और फिर छोटा सा और कंसेप्ट सीखते हैं। ए में मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो आर रिफ्लेक्सिव है, तो R में कम से कम क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये तीन एलिमेंट्स तो कम से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इफ R इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
देन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर मस्ट बी व्हाट, आर के अंदर कितने एलिमेंट्स होना चाहिए? तो आप देखो आर के अंदर, अगर इसके अंदर 1, 2, 3 है तो इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो होना ही चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर एक और एलिमेंट आ गया 1, 3 आ गया, तब भी तो ये क्या बनेगा, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना जरूरी है। तो इफ आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ऑन ए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर मस्ट बी, मस्ट बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कितने होना चाहिए आर के अंदर, आर के अंदर कम से कम आपको उतने एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए जितने इसमें हैं, तो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्यों, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर 3 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आर नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर ऐसा होगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक कंडीशन है और ये उसका एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर हमने सिमेट्रिक की बात की थी, लेकिन सिमेट्रिक से पहले मैं आज आपको आर इनवर्स के भी बारे में बताऊंगा कि आर इज व्हाट, आर इज क्या है। आर के अंदर ए कॉमा बी आते हैं such that A belongs to A और B belongs to B, A belongs to A, B belongs to B, कब, जब R कैसा है, R कहाँ से कहाँ defined है, अगर R A से B में defined है तो R किसका subset होगा, R subset होगा किसका, A cross B का होगा और R बराबर A comma B होगा। तो R inverse क्या होगा, R inverse होगा B comma A, आर इनवर्स में क्या होंगे, जो ए कॉमा बी है वही क्या हो जाएंगे, बी कॉमा ए हो जाएंगे आर इनवर्स में। बस कुछ भी नहीं लिखना, इसको उल्टा लिख दिया, आर इनवर्स में क्या आएगा, आर इनवर्स विल हैव बी कॉमा ए इंस्टेड ऑफ ए कॉमा बी, और बी किस में है, बी उसी में है, बी किस में है, बी में, ए किस में है, ए में। तो आप समझ लो कि आर इनवर्स किस से किस में डिफाइंड है, अगर आर ए से बी में है तो आर इनवर्स किस से किस में डिफाइंड हो गया, आर इनवर्स बी से ए में डिफाइंड हो गया। अब हमने जो अगला रिलेशन पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में आपने क्या पढ़ा था, तो सिमेट्रिक रिलेशन में कहा था कि ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ए कॉमा बी अगर आर के अंदर एलिमेंट से तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। अच्छा एक और दोस्तों मेरी बात है, आपको नोटेशन की बात बोलता हूं मैं, नोटेशन में आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि पिछली क्लास बेसिक क्लास थी तो बहुत ज्यादा बात उस पर हमने की नहीं थी, तो नोटेशन का आप ध्यान रखें कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब है a रिलेट्स टू b, a रिलेट्स टू b, a b से संबंधित है, ठीक है, या a इज रिलेटेड टू b। और इसी चीज को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, इसी तरीके इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए आर बी, ए का बी से रिलेशन है, और अगर आपको ऐसा लिखा है ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू, ये ए की जैसा पढ़ेगी इसलिए मैंने बोला डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसको ऐसा लिखेंगे, जब इस तरीके से लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे ए आर, और इस आर को कट कर देंगे, ऐसे कट कर दो या वैसे कट कर दो, इट इज़ अप टू यू, ऐसे भी कट कर सकते हो वैसे कट कर दो। तो इसका मतलब है ये दोनों एक चीज़ है, वो दोनों एक चीज़ है, तो ये भी नोटेशन भी आप ध्यान रखेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए, यही है ना सिमेट्रिक, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए, ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब जो मैं खास बात आपको बताने वाला हूं वो बात आप ध्यान से सुने कि अगर आर इज इक्वल टू आर इनवर्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ध्यान से सुनो, इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स हो गया, मान लीजिए कि आर और आर इनवर्स बराबर हो गए, तब क्या होगा, तो मेरे दोस्तों तब अगर R और R इनवर्स बराबर हो गए तो ये कौन होगा, R में A कॉमा B आते हैं, R इनवर्स में कौन आते हैं,
बी कॉमा ए आते हैं, तो इसका मतलब कि आर और आर इनवर्स बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि आर और आर इनवर्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है देन आर कैसा हो गया, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, कैसा रिलेशन हो जाएगा, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि ए कॉमा बी अगर आर में है, आर और आर इनवर्स बराबर हो गए, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए एक जैसा ही काम करने लग गए, तो फिर इस केस में, ऐसे केस में आर और आर इनवर्स बराबर होने से आर क्या हो गया, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आइए अब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन उसको बोलेंगे कि अगर ए का बी, ए कॉमा बी आर, और आर किस पे डिफाइंड है, आर ए पे डिफाइंड है, मान लीजिए आर ए पे डिफाइंड है, ए कॉमा बी का आर से रिलेशन है, बी कॉमा सी का भी किससे, आर से, तो ये ए कॉमा सी का रिलेशन किससे होगा, आर से होगा। चलो एग्जाम्पल एक और बढ़ा लेते हैं, जैसे आर एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ए कॉमा बी, आर के अंदर वो ए कॉमा बी आएंगे सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या होगा, ए कॉमा बी अगर आर का मेंबर है तो उसका मीनिंग होगा ए लेस और इक्वल टू बी, बी कॉमा सी अगर आर का मेंबर है तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका अगर इसका मेंबर है तो यही मतलब होगा, क्या होगा, बी इज लेस और इक्वल टू सी। अब आपको मालूम है ए लेस और इक्वल टू बी, बी लेस और इक्वल टू सी, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, ए लेस और इक्वल टू सी, तो ये कैसा हो गया, इससे पता चला ना, कैसा पता चला, ए कॉमा सी किसका मेंबर है, आर का मेंबर है, तो ये इसलिए क्या बन गया, ये therefore it is a transitive relation, a less or equal to b, ये कैसा relation हो गया, transitive relation हो गया। फिर हमने बात की थी कि अगर कोई relation reflexive हो, कोई relation symmetric हो, कोई relation transitive हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं equivalence, equivalence relation, उस relation को हम क्या बोलते हैं, equivalence relation बोलते हैं, अगर कोई reflexive हो, कोई symmetric हो, कोई transitive हो, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे से देखे थे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के। आज हमने जो नई बात की है, नई बात हमने की है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, आर इनवर्स की नई बात हमने की है। अब एक और नया टाइप का रिलेशन है, उस रिलेशन को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज है, ये भी आप समझ ले, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x का रिलेशन y से है, x कॉमा y, x का रिलेशन y से है, एंड y कॉमा x किसको बिलोंग करता है, r को, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा, तो x बराबर क्या होगा, y होगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, x relates to y and y relates to x, ये r है, वो ये भी r है, implies x is equal to y, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन ले लेता हूं मैं आपको, एक रिलेशन है r के अंदर वो a कॉमा b है such that a divides b ऑन एन, एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आएंगे, जिसमें ए डिवाइड करता है किसको, बी को, तो आपने देखा होगा कि ए डिवाइड्स बी, अगर ए कॉमा बी आर का मेंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, इसको एक अलग नोटेशन भी है, ए अपॉन बी नहीं कहते इसको, ये कहते हैं ए डिवाइड्स बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो बी डिवाइड्स ए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी डिवाइड्स ए, ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, तो आप समझ लो कि ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे,
दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। और आइडेंटिटी कैसा रिलेशन होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी अब समझ, एक और रिलेशन है उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आर के अंदर आने वाले एलिमेंट्स कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आइडेंटिटी रिलेशन में आर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं ए कॉमा ए और ऑल ए इन ए, ए जो कि ए के अंदर है। आर किस पे डिफाइंड है, आर ऑन ए। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट कैपिटल ए, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए होगा, सॉरी ए कॉमा ए, और फॉर जहां ए किस में है, ए में। तो इसका मतलब है कि अगर a बराबर 1, 2 है तो r के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, r के अंदर क्या होगा, 1, 1 होगा और 2, 2 होगा, 1, 2 नहीं होगा ये। हाँ तो ये कैसा हो गया, ये किसके जैसा हो गया, अब आप इसको देखो, ये r बराबर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, तो ये किसके जैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ना, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। पर इसका मतलब है कि कोई आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है पर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। इसको समझते अपन, व्हाई इज इट सो, ऐसा ऐसा क्यों है, अब इसको समझते, क्योंकि अगर आर के अंदर ये है 1-1 है, 2-2 है तो ये रिफ्लेक्सिव है, और 1-2 है तो भी रिफ्लेक्सिव है ना, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट एन आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होना, आइडेंटिटी में केवल किस तरीके का होना, 1-1, 2-2, अगर R A पे डिफाइंड है। अगर एक और मैं आपको R का केस बताता हूं, आइडेंटिटी का केस, आर बराबर लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, आर इज इक्वल टू लिखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी ऑन एन एन। तो ये आर के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, आर के अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे 1-1, 2-2, 3-3 एंड सो ऑन। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये भी कैसा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है, तो यस इट इज बीइंग सीन या दिख रहा है अपने को कि ये रिफ्लेक्सिव तो होता ही होता है। क्या ये सिमेट्रिक होता है, क्या क्या ये ट्रांजिटिव होता है, क्या ये अब अपन अपने को देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो दिख गया, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी की अब अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। मैं एक बार वापस एक बात बोल देता हूँ कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि R अगर A से B में डिफाइंड है तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, R के अंदर एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि R बीइंग अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि अगर A कोई सेट है उसके सबसेट्स कितने होते हैं, तो उसके सबसेट होते हैं 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, उस सेट में। तो अगर मान लीजिए P कोई सेट है, वो P कोई सेट है, उसमें 15 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट्स होंगे 2 to the power 15। R किसका सबसेट है, A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होंगे वो 2 to the power में चढ़ जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, सारे सबसेट्स। तो सारे सबसेट्स में R आ जाएगा, क्यों, क्योंकि R क्या चीज़ है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये बात बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान से देखो, A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए A क्रॉस B में 10 एलिमेंट है ना, A में 2 और B में 5 है, तो 2 × 5 10 एलिमेंट हुए, तो R कितने कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं 2 to the power 5 × 2 यानी 2 × 5 10 1024 में एक रिलेशन ऐसा भी मिलेगा आपको। जब अपन सबसेट्स बनाते हैं ना, तो सबसेट्स बनाते हैं तो सबसेट्स कैसे कैसे बनते हैं, रिलेशन सबसेट्स कैसे कैसे बनते हैं, तो एक सेट है मान लीजिए, तो इसके सबसेट्स कैसे बनते हैं, पहला कौन बनता है, इसका 5 बनता है, फिर बनता है 2, फिर
फिर कौन सा बनता है इसका, 4 बनता है, फिर बनता है 2, 4। तो ये जो सबसेट्स हैं, इस वाले सेट को, इस वाले सबसेट को, इस वाले सबसेट, सबसेट भी एक सेट ही है ना, तो इस वाले सबसेट को, इस वाले सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो आर में एक, आर में जब आर ए क्रॉस बी का है तो एक आर क्या होगा, फाई भी होगा। एक आर क्या होगा, फाई होगा। एक आर फाई होगा तो उसको बोलेंगे, ऐसे रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, नो रिलेशन, उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, उस रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो अब हमने क्या क्या देखा, फिर से आप उन चीजों को एक बार रिव्यू करते हैं कि अगर ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, ए में एन एलिमेंट्स है और बी में एम एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में इसमें एन एलिमेंट्स उसमें एम ले लिया, या उल्टा ऐसा ले लो, एम एलिमेंट्स इसमें ले लिया, एन इसमें ले लिया, तो ए क्रॉस बी में एम इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे अपने पास, ए से बी में हो जाएंगे 2 to the power m into n। अगर ऐसा लिखा है कि r डिफाइंड ऑन a, r किस पे डिफाइंड है, a पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a। अब a क्रॉस a में जितने, a में 5 है तो a क्रॉस a में 25 होंगे, a में अगर n है तो इसमें हो जाएंगे n into n, 2 to the power n square। क्लियर मेरी बात आपको? फिर हमने देखा कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी को एक बार हमने वापस से देख लिया कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी क्या होती है। और रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी अगर किसी रिलेशन में हो तो सच अ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और आफ्टर सीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन वी केम टू सी व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखा आपने, ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से, तो ए और बी बराबर होंगे, ये एंटी सिमेट्रिक है, दैट्स ऑल। आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी में ए कॉमा ए होंगे, यानी ए कॉमा ए को होंगे केवल 1-1 होगा, 2-2 होगा, 3-3 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा, और उसके अलावा 1-2 नहीं होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। तो ये हमने देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या है। तो एम्प्टी रिलेशन भी मैंने आपको बताया कि अगर r इज इक्वल टू क्या आ जाए, r इज इक्वल टू फाई आ जाए तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। एम्प्टी रिलेशन किसको कहते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन है r बराबर फाई। फॉर एग्जाम्पल r इज इक्वल टू लिखा है इसमें a कॉमा b सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 10 ऑन कैपिटल a 1-2। अब आप देखो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स होंगे, a क्रॉस a में 1-2 है, तो 1-2 का 1-2 से क्रॉस करेंगे तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो a क्रॉस a में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, a क्रॉस a में हो जाएगा 1-1 हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा और 2-2 हो जाएगा। तो अब देखो, अब r में कौन से a कॉमा b, r में वो a कॉमा b है जिसमें a प्लस बी ग्रेटर देन 10 है। तो इन सारे का, इन सारे केसेस में देखो क्या इन दोनों का सम 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा नहीं, 10 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब r क्या हो गया, इस केस में r हो गया एम्प्टी सेट इस तरीके का। तो एक ऐसा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन के जो कुछ नए और स्पेसिफिक टाइप थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम रिलेशन में जो खास बात है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने की, वो हम देखते हैं कि हाउ टू प्रूव अ रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन टू प्रूव इक्विवेलेंस। तो क्वेश्चन विल बी आर इज इक्वल टू, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ए कॉमा बी सच दैट this straight line indicates such that or these two points, ये colon भी such that के लिए, a minus b is divisible by five on z is a relation
प्रूव दैट R is an equivalence relation. Equivalence relation. R एक equivalence relation. ये हमने प्रूव करना है. बहुत important question है. तो सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे अपन? सबसे पहले reflexivity चेक करेंगे. इसका solution या इसका प्रूफ क्या देखेंगे हम? Reflexivity. Reflexivity क्या चीज है? रिफ्लेक्सिविटी में होना चाहिए कि ए कॉमा ए, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए. तो ए कॉमा ए अगर आर में है तो ए माइनस ए शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? फाइव. तो क्या ए माइनस ए फाइव से डिविजिबल है? तो हाँ, ए माइनस ए फाइव से डिविजिबल है. आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम, ए माइनस ए क्या है? जीरो. और जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नॉन जीरो नंबर. तो हम लिखेंगे ऐसी, इसकी स्टार्टिंग करेंगे. वी नो दैट a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज डिविजिबल बाय फाइव फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z. z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स आपको मालूम है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस. तो मैं z का मीनिंग लिख देता हूं. z होता है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन. तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है. तो 0 इज डिविजिबल बाय 5. तो इसका मतलब है, देयरफॉर इट इंप्लाइज कि a कॉमा a किसके अंदर होगा? R के अंदर होगा. फॉर ऑल a बिलोंग्स टू व्हाट? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z. अब इसकी सिमेट्री चेक करेंगे अपन. तो सिमेट्री कैसे चेक करेंगे हम? सिमेट्री चेक करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि a और b तो z के एलिमेंट है. और कैसे है कि a का b से रिलेशन है. We have to consider A relates to B. A B से related है, मान लो. तो A का relation B से, this implies, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि A minus B is divisible by what? A minus B is divisible by 5. क्योंकि R के अंदर वही होंगे. कौन होंगे? जो इस condition को fulfill करेंगे. What condition is this? This is the condition. That condition is known as relation. इसी condition को ही relation कहते हैं. तो दिस इज द कंडीशन टू बी इन आर, आर में होने की कंडीशन. तो ए कॉमा बी अगर आर में, तो ए माइनस बी किससे डिविजिबल होगा? फाइव से. और हमें बताना है कि बी माइनस ए, बी कॉमा ए भी आर में. मीन्स वी नीड टू प्रूव बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव. तो बी माइनस ए ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव के लिए अपन ऐसा करते हैं, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ. इसमें से आप माइनस से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो. तो माइनस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय फाइव, डिविजिबल बाय फाइव. तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, जैसे हमको मालूम है कि टेन डिविजिबल किससे? टेन डिविजिबल बाय फाइव है. तो माइनस टेन भी तो होगा ना. अगर आपने मान लिया फिफ्टीन डिविजिबल है, तो माइनस फिफ्टीन भी तो होगा. क्यों? क्योंकि फिफ्टीन है तो माइनस भी होगा उसका. माइनस फिफ्टीन है तो फिफ्टीन होगा. सेवन अगर सेवन से डिविजिबल है तो माइनस सेवन भी होगा. 21 अगर 3 से डिविजिबल है तो माइनस 21 भी 3 से होगा. तो दिस कैन बी रिटन, मींस ये लिखा हमने, इट इंप्लाइज दैट, इससे पता चलता है. तो इससे पता चला आपने को, ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, तो माइनस ऑफ ए माइनस बी भी होगा. तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय 5. दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. हो गया ना इससे ये प्रूव? क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन है. तो यस इट इज अ सिमेट्रिक. इससे प्रूव हो गया कि R कैसा रिलेशन है. देयरफॉर R इज अ रिफ्लेक्सिव. इससे प्रूव हो गया कि R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इससे प्रूव हो गया R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. अब नाउ टू प्रूव ट्रांजिटिविटी. अब ट्रांजिटिविटी प्रूव करना है हमको. तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैं इनको रब कर दूं, फिर हम प्रूव करते हैं. तो टू प्रूव ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी हमको प्रूव करना है कि R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. तो आपको हेडिंग डाल दें सबसे पहले, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन, दोनों बातें किया.
तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप क्या करके लोगे, पहले लोगे ए कॉमा बी किसका मेंबर है, आर का, बी कॉमा सी किसका है, आर का। प्रूव क्या करने का, प्रूव करना है कि ए कॉमा सी किसका होगा, आर का, ये प्रूव करना है। तो अभी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कि ए कॉमा सी आर का प्रूव करना है, अब लिखते हैं। इसका मतलब हुआ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5 एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5। तो इससे पता चला कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लैम्डा होगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 5 म्यू होगा। लैम्डा और म्यू क्या होंगे, लैम्डा एंड म्यू आर व्हाट, लैम्डा एंड म्यू आर इंटीजर। ऐसा नहीं ना कि लैम्डा और म्यू फ्रैक्शन में आ गए, जैसे कि 3 2 से डिविजिबल है, नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती करेंगे तो आ जाएगा ना। तो ये लैम्डा हो गया, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू 2, 2 इंटू दिस, तो 1.5 इज व्हाट, तो 1.5 कोई इंटीजर है क्या, नहीं है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये कि लैम्डा एंड म्यू मस्ट बी व्हाट, दे मस्ट बी इंटीजर्स। और नाउ वी आर सपोज टू प्रूव कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 को कैसे लिखेंगे, आओ देखें, देखते हैं, देखने से ही तो सब पता चलता है मेरे दोस्तों। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, तो इनको दोनों को ऐड कर दोगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये b से b कैंसिल हो गया और ये हो गया 5 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है ना। तो ये इससे पता चला a माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू व्हाट, लैम्डा और म्यू इंटीजर है, तो देयर एडिशन मस्ट बी व्हाट, देयर एडिशन मस्ट बी एन इंटीजर। तो इससे पता चला a कॉमा सी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5। इससे पता चला कि a कॉमा सी भी डिविजिबल बाय 5 है, तो इसलिए सॉरी a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, a माइनस सी डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि a कॉमा बी अगर r में, b कॉमा सी अगर r में है, तो a कॉमा सी भी किस में होगा, r में होना, तो r में होगा, तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो सिंस r इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल, तो देयरफॉर r इज अ, तो हेंस लिख देते हैं, खत्म कर रहे हैं इसको यहीं पे। R is an equivalence relation. Equivalence relation. अब इसमें एक मैं बहुत मजे की बात बताता हूं कि आपको कि congruence चीज क्या चीज है, congruence वो भी आप समझे, congruence modulo, congruence, congruence modulo. कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो लिखने का तरीका ऐसा रहता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। और मीनिंग इसका होता है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, क्लियर है मेरी बात आपको, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। और ए माइनस बी, इससे ये पता चलता है कि ए माइनस बी, अगर आप इस बी को इससे माइनस करोगे तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाय m, ये इसका मीनिंग है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, ये इसका मीनिंग है। तो r एक ऐसा भी रिलेशन लिख सकते थे जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन किया 1, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी ले सकते थे आप, किस तरीके का, r बराबर a कॉमा b सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, b mod m on z, on z। तब आपको क्या प्रूव करना था बच्चों, तब आपको प्रूव करना था कि r is an equivalence, प्रूव दैट r is equal to this much on z is an equivalence relation, is an equivalence relation।
तो इसका प्रूफ बिल्कुल उसके जैसा ही है जो हमने पिछला प्रूव किया, उसी के जैसा इसका प्रूफ है। जैसे रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करोगे तो आप कैसे प्रूव करोगे, तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या लिखोगे आप कि ए, वी नो दैट ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एम, वेयर एम इज ऑफ कोर्स नॉट जीरो। एम क्या नहीं है, एम शुड नॉट बी व्हाट, एम शुड नॉट बी जीरो, एम शुड नॉट बी जीरो। तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाय m, तो ये लिखेंगे अपन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसी तरीके से आप सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी और आगे की चीज प्रूव करना। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपकी मदद करूंगा ही करूंगा। आपको मैंने अश्योर कर रखा है, इट इज माई प्रॉमिस टू यू दैट आई विल हेल्प यू। और आपको नंबर भी दे रखा है, नंबर अगर नहीं है आपके पास तो नंबर यू कैन नोट 9685698056। दिस नंबर इज एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए है। और जिनको मेरी मदद चाहिए होगी डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। और मैं पीएचडी मैथमेटिक्स में ही हूँ, तो आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, नेवर हेजिटेट इन राइटिंग। अब आगे की बात अगर हम समझेंगे कि ये एक रिलेशन था जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन था, अब हम और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, चेक रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। अगर आप ये समझ गए तो इसका मतलब आप जीत गए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हरा नहीं सकता। तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करना है। तो क्वेश्चन ऐसा है आपका, पहला क्वेश्चन, R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, ए सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, और यहां पे कॉलम बना लेते हैं। क्या रिफ्लेक्सिव है ये, क्या कोई ऑन जेड, ये इंटीजर पे डिफाइंड है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो क्या ए ग्रेटर देन ए होता है? नहीं, नो। क्या ये सिमेट्रिक होगा? ए ग्रेटर देन बी है तो थ्री ग्रेटर देन टू होता है, पर तो क्या टू ग्रेटर देन थ्री होता है? नहीं। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो यस इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो ऑफ कोर्स ए ग्रेटर देन सी होगा। अब मैं इसमें कुछ मजाकिए भी हैं, आर में वो एक्स कॉमा वाई ले लिए सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई ऑन ऑन कैपिटल ए, ऑन पहले चलो कैपिटल एन ले लेते हैं, ऑन कैपिटल एन। तो आर में वो सारे एक्स कॉमा वाई हैं जिसमें एक्स और वाई बराबर होगा और नेचुरल नंबर पे डिफाइंड होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, एक्स बराबर एक्स होता है, x बराबर y होगा तो y बराबर x होगा, यस yes, x बराबर y है, y बराबर z है तो x बराबर z नेचुरली होगा। तो ये तीनों है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, तीसरा, r बराबर, r के अंदर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है एंड सो ऑन, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा क्या? तो यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव, नो डाउट अबाउट इट। क्या सिमेट्रिक है? अब सोचने की बात है, अरे 1,2 दिख ही नहीं रहा, अरे नहीं दिख रहा तो मत देखो ना, जो दिख रहा है वो देखो। उसमें लिखा है कि अगर ए का रिलेशन बी से हो, अगर ए का बी से, तो जबरदस्ती इस्टेब्लिश नहीं करना अपने को कि 1 का रिलेशन 2 से है। इसमें देखो ना, ए का बी से है तो 1 का 1 से है, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है तो 2 का 2 से है, तो ये सिमेट्रिक है। कैसे? तो बोलो अब आपको एक कन्फ्यूजन हो गया, अरे ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया? तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाले को तो आप कह रहे थे कि सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक था?
मैं कहता था अगर x बराबर y तो y बराबर x होगा, तो आपने कहा कि हाँ होगा, ऐसा होता है, पर यहाँ पे बोल रहे हो कि ऐसा होता ही नहीं है। अरे देखो दोस्तों, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में और ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में। आप ऊपर और नीचे देखो, दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, ये कोई अलग वाली चीज़ नहीं लिखी हुई है। लेकिन जब ये लिखा था तब आप बहुत मज़े से कह रहे थे, क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कर रहे थे हाँ ऐसा ऐसा है। तो मेरे दोस्तों, जब एक्स बराबर वाई होगा तो एक्स और वाई अलग अलग थोड़ी होंगे, 1 = 2 जबरदस्ती थोड़ी आ जाएगा, वो तो यही आएगा ना। अगर एक्स बराबर वाई तो वाई बराबर एक्स है, तो वन बराबर वन का वन, वन से रिलेशन है तो वन का भी वन से, 2 का 2 से है तो 2 का भी 2 से, तो यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप मेरे से ट्रांजिटिविटी में थोड़ी सी अपने मत माने भिन्न रख सकते हो, तो इवन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव की कंडीशन है अगर ए का रिलेशन बी से है, अगर ए का है बी से और किसका है बी से सी का है, तो ए का सी से होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर ही नहीं पाए, अगर आप ऐसा ला नहीं पाए, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से, अगर 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 लगा हुआ है, इफ ए इज हैविंग रिलेशन विद बी, बी इज हैविंग रिलेशन विद सी, देन ए शुड हैव रिलेशन विद सी। अगर अगर ऐसा हुआ ही नहीं, अगर ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर उसमें कोई गलती नहीं है, और उस केस में आपको क्या मानना पड़ेगा कि सच अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक पिता पुत्र से क्या कहता है, ये सिग्नेचर का मतलब इफ देन, इफ देन, इफ देन। क्या कहता है पिता पुत्र से? इफ यू पास इन द एग्जामिनेशन देन आई विल बाय अ न्यू कार फॉर यू। लड़का पास हो गया, टी मीन्स ट्रू, टी मीन्स ट्रू यानी हुआ, और एफ मीन्स फॉल्स नहीं हुआ। लड़का पास हुआ और पिताजी ने ट्रू गाड़ी खरीद दी, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। लड़का फेल हुआ, पिताजी ने गाड़ी नहीं खरीदी, क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। भाई फेल हुआ, नहीं खरीदी, क्या बुराई है? अब लड़का फेल हो गया और पापा ने गाड़ी खरीद दी, लड़का फेल हुआ और पापा ने गाड़ी खरीद दी, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो एक और पहले, इसके बाद लड़का पास हुआ और लड़के को गाड़ी नहीं खरीदी पिताजी ने, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? लड़का पास हुआ, क्या पिताजी ने कहा था? इफ यू पास इन द एग्जामिनेशन देन आई विल बाय अ कार। तो पास हुआ और कार नहीं खरीदी, तो गलत किया, तो रिजल्ट क्या आया? फेल माने फॉल्स, गलत रिजल्ट आ गया। अब इस वाले में देखिए, लड़का फेल हुआ और लड़का फेल हो गया और पिताजी को काफ़ी चमकाया, मम्मी ने कहा कि भाई गाड़ी खरीद दो, अगली बार पास हो जाएगा, तो पिताजी ने गाड़ी खरीद दी, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आप सोच रहे होगे कि फॉल्स आएगा, जबकि रिजल्ट ट्रू आएगा। तो सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं कहा था कि फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको कहा था कि पास हो जाएगा तो खरीद देंगे, और फेल हो जाएगा तो एक की जगह दो खरीद दें, मोबाइल खरीद दें, साथ में लैपटॉप दिला दें, आईपैड दिला दें, आई टैब दिला दें, जो दिलाना हो वो दिला दें। तो लड़का जब पास होगा तो खरीदेंगे, और फेल होगा तो क्या करेंगे? फेल होगा तो हमारी मर्जी, जो करना होगा करेंगे, तो उसमें कोई इसकी कोई गलती है क्या? नहीं। तो रिजल्ट क्या है? ट्रू। इसी तरीके से इसमें सोचो कि अगर आप ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से लाओगे, तो मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं ऐसा बताऊंगा, और अगर नहीं ला पाए तो इट मीन्स यू विल हैव टू कंसिडर दैट इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगेन आई एम कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल विच विल क्लियर एंड ओ विल ओपन योर माइंड। अगर आर के अंदर 1, 2 है, क्लियर, और 1, 2 है, और आर के अंदर 2, 3 है, तो ये कैसा रिलेशन होगा? ऑन कैपिटल ए 1, 2, 3, A 1, 2, 3 है, तो R के अंदर 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, तब तो रिफ्लेक्सिव होता, ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? तो सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? तो 1, 2 है, 2, 3 है, पर 1, 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह ऐसा हो जाए, ये आर बराबर कैसा हो जाए, अगर इसके अंदर मैंने खाली एक रख दिया एलिमेंट 1, 2 ऑन कैपिटल ए, तब फिर क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। तब ये सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। तब ये ट्रांजिटिव होगा? हाँ होगा। क्यों? सोचो यार, ए का रिलेशन बी से है, अगर ए का बी से है और बी का सी से,
तुम ऐसा करते, अगर तुम ऐसा करते तो मुझसे एक्सपेक्ट करते, तुम कर नहीं पाए, तो इसलिए यू विल हैव टू कंसीडर दैट दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं आपको बात और थोड़ी सी कम पच रही होगी, अब मैं बात और अच्छे से आपको पचा देता हूँ। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। तो वो एग्जाम्पल क्या है, सिक्स पहले सरल से ले लेते हैं फिर उसके बाद आते हैं। अगर यहाँ आर लिखा है, क्या आर ही लिखना जरूरी क्या, एस नहीं नहीं एस लिख दो, टी लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी लिख दो, एक्स कॉमा वाई लिख लो, एक्स इज फादर ऑफ वाई। पहले रिफ्लेक्सिविटी बोल के देख लेते हैं अपन, क्या है रिफ्लेक्सिव, एक्स एक्स का फादर होता है क्या, नहीं है ना, ऐसा होता है कभी, ठीक है नहीं, एक्स वाई का है तो वाई एक्स का होगा क्या, नहीं, एक्स वाई का है वाई जेड का है तो एक्स जेड का होगा क्या, नहीं, तो ये नहीं हुआ। लेकिन अब अगर ऐसा रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ वाइफ ऑफ अ वाइफ ऑफ बी, अब ए बी की पत्नी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए लिया आपको, ठीक है, ये इसलिए नहीं कि आप हंसे और आपको खुश रखने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, तो आप बताओ पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, तो ए ए इज वाइफ ऑफ ए, ऐसा होता है क्या, ए इज वाइफ ऑफ ए नहीं होता, ठीक है ना भाई, किसी ने शादी नहीं की, बोले मैं अपनी पत्नी हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है, और नेचुरल रूल लगेंगे इसमें, ए इज वाइफ ऑफ बी, भाई बाहर का कोई रूल नहीं लगेगा, तो ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, तो बी इज वाइफ ऑफ ए होगा क्या, नेचुरल रूल, ठीक है, नए वाले नहीं, नेचुरल, तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी इज वाइफ ऑफ ए होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब फिर देखिए, इसमें देखिए, ए इज वाइफ ऑफ बी और बी इज वाइफ ऑफ सी, तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, तो एनसीईआरटी में पहले ये रिलेशन उन्होंने लिखा था, यस इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बाद में उन्होंने कुछ सलाहकार आए, कुछ सुझाव देने वाले आए, वो सलाहकार सुझाव देने वालों ने कहा कि नहीं 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 ये तो गड़बड़ है, तो कुछ और भी हो गया है, फलाना हो गया, ढिमका हो गया है, तो उन्होंने इसको करेक्ट कर दिया, करेक्ट मतलब उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर अकल लगाई उन्होंने कि भाई जिस किताब से उठाया था उसको वापस से देखो, और जो पढ़ने लिखने वाले होशियार लोग थे उन्होंने भी लिख के भेजा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन है समझते हैं। सीता इज वाइफ ऑफ राम, सीता राम की पत्नी है। अब ए कॉमा ए का रिलेशन तो बी से हो गया, ए कौन सीता, बी कौन राम, सीता इज वाइफ ऑफ राम, अब बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो राम इज वाइफ ऑफ समवन एल्स, राम किसी की पत्नी हो, ऐसा ला सकते हो क्या, अगर ऐसा ला नहीं सकते तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों नहीं ला सकते, तो फिर क्या मानना पड़ेगा, यस इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना वहाँ पे 1.2 ही है खाली उसके अंदर, तो कैसा रिलेशन है ना ट्रांजिटिव, अरे भाई 1 का रिलेशन 2 से, 2 का लाओ ना किसी से, अगर लाते, मान लो इसके अंदर 1.2 है और 2 का रिलेशन 3 से, ऐसा भी लिख दिया आपने 1 का 2 से 2 का 3 से, तब मैं बोल, तब मुझसे एक्सपेक्ट करो कि हाँ यार सर है नहीं, नहीं है, नहीं है ना, क्यों, बिल्कुल 1 का 2 से 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, 1 का 3 से नहीं है तो फिर ये कैसा रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अभी अपन ऐसा ला ही नहीं पा रहे हैं, खाली ऐसा ही है उसमें 1 का 2 से ही है, 2 का किसी और से ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्यों मांग रहे हो, फिर मान लो, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का, और CBSE की 2015 में आया, और इसका वेटेज 6 मार्क्स का था। वो रिलेशन कैसा है, आओ रिलेशन समझते हैं, रिलेशन में ए कॉमा बी आप देख लेना, जो मैं कहता हूँ आप उसको वेरीफाई भी किया करो कि सर गलत तो नहीं बोल रहे हैं, खाली अपन दिए जा रहे हैं, बत्ती दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना, ए माइनस बी प्लस रूट 3 बिलोंग्स टू एस लिखा उसमें, ए और बी भी किसके मेंबर हैं, एस के मेंबर हैं, एस क्या चीज़ है,
सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। एस क्या चीज है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो मैं इरेशनल नंबर्स आपको बताऊं, तो आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम ये इरेशनल्स होते हैं। बहुत शानदार सवाल है, ये इरेशनल होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इरेशनल होते हैं। और अगर मैं इसको रैशनल से मल्टीप्लाई करूं तो रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल ही होता है। क्या होता है? इरेशनल, एक्सेप्ट रैशनल इज जीरो। तो वो रैशनल कौन सा है? एक रैशनल को छोड़ के, एक रैशनल को छोड़ के, तो यहां लिख देते हैं रैशनल माइनस एक छोड़ दो जीरो इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। तब अपने को बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अब पहले इसके लिए रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। तो इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी अलग से डिस्कस कर लेता हूं। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए? a माइनस ए प्लस रूट थ्री बिलोंग्स टू s, मतलब इरेशनल होना चाहिए, जबकि a और b भी इरेशनल है। तो रिफ्लेक्सिविटी में a माइनस ए प्लस रूट थ्री क्या होगा? रूट थ्री होगा। क्या है रूट थ्री? इरेशनल ही तो है, तो ये बिलोंग्स टू s हुआ ना, और काय के लिए हो गया? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू s, क्योंकि कुछ भी होगा ये तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब r क्या हो गया? r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। अब हमको ये बताना है कि r एक सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो r की सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो r की सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन? अपन ऐसा मानेंगे कि a कॉमा b भी तो r में है, और देखेंगे कि b कॉमा a आर में है कि नहीं है। तो सिमेट्री देख लो, सिमेट्री में क्या करना है आपको? a कॉमा b किसका है? r का मेंबर है। दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस रूट थ्री किस में? s में है, मतलब इरेशनल है। तो क्या इससे पता चलता है? डज इट इंप्लाई, क्या ये बोलता है कि b माइनस a प्लस रूट थ्री एस में होगा? तब तो पुलिस जैसा सोचो, हर एक को शंका की दृष्टि से देखो और गलत सोचो कि अरे बाप रे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, आप सही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए को ले लो रूट थ्री, बी को ले लो, बी को या ए को ले लो आप टू रूट थ्री ले लो, और बी को ले लिया अपन ने रूट थ्री। साफ लिख देता हूं, ए को लिखा टू रूट थ्री, बी को लिया रूट थ्री। अब देखो ए माइनस बी प्लस रूट थ्री, ऐड कर लो टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। टू रूट थ्री क्या है? रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल। तो ये एस का मेंबर है ना, तो इसका मतलब ए कॉमा बी तो एस में है, ए कॉमा बी तो आर में है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है। बट जब हमने उल्टा वाला निकाला, बी माइनस ए प्लस रूट थ्री निकाला, तो b माइनस ए प्लस रूट थ्री क्या होगा आपका? रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो ये तो जीरो हो गया। जीरो क्या होता है? तो जीरो मालूम होगा आपको, जीरो क्या होता है? रैशनल होता है, इरेशनल नहीं होता है। ये इसमें s को बिलोंग नहीं करता, तो अगर ये s को बिलोंग नहीं करता तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, मतलब दिस डज नॉट इम्प्लाई, क्या नहीं इम्प्लाई करता कि b कॉमा a किसका मेंबर है? r का मेंबर। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बट टू अब नाउ टू चेक इट्स ट्रांजिटिविटी, अब अपन इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, है ना दोस्तों? ट्रांजिटिविटी भी तो देखो। अब ट्रांजिटिविटी में आप दिमाग लगा सकते हो, वीडियो को पॉज दे दो और दिमाग लगा दो, और दिमाग नहीं चले तो वो स्पेस बटन को फिर से दबा दो। तो अगर आपने दबा दिया तो देख लो ट्रांजिटिविटी। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और रियली आई एंजॉय दिस टॉपिक वेरी मच,
बिकॉज मोर ऑर लेस जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था, पीएचडी का टॉपिक था वो इससे कुछ मिलता जुलता ही था। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं, वो राकेश कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर राकेश कुमार या राकेश कुमार त्रिपाठी और फजी मैट्रिक्स, फजी मैट्रिक्स, उसमें मैंने रिलेशन पे मैट्रिक्स पे बहुत काम किया है। फजी मैट्रिक्स FUZZY MATRIX, तो आप देख सकते हैं, है ना। आप मेरा प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। तो अब ट्रांजिटिविटी, ए कॉमा बी किसका मेंबर है, आर का, बी कॉमा सी किसका है, आर का, क्या प्रूव करना है, ए कॉमा सी आर का है, तो लिख दूं क्या डायरेक्ट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अपन मन से थोड़ी लिख सकते हैं, अपन सोचते हैं भाई, सोचते हैं ए माइनस बी प्लस रूट थ्री एस का होगा, b माइनस सी प्लस रूट थ्री किसका होगा, s का होगा। अब हमने क्या बताना है, हमको बताना है a माइनस सी प्लस रूट थ्री भी s का होगा, तो अपन फिर उल्टा पुलिस जैसा सोचेंगे। तो अब हम एक वही मैं जो बार बार कहता हूँ कि आप एक एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अभी मैं तो देखो आपकी मदद कर देता हूँ, एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये एग्जाम्पल लिख दिया आपके लिए, आपके प्रेम में। देखो a माइनस बी प्लस रूट थ्री, और आप सोचोगे तो कर लोगे, मैंने हजारों बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया क्लास में, बच्चों ने बहुत बार बोला और कई बार कि हाँ ये तो ये a की वैल्यू b की बदल बदल के भी आ सकती, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ आप सोचो। ये a की वैल्यू टू रूट थ्री, b की वैल्यू रूट थ्री, तो टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कट जाएगा, टू रूट थ्री, ये एस का मेंबर है। अब इधर देखो बी माइनस सी प्लस रूट थ्री, बी माइनस सी प्लस रूट थ्री क्या है, ये है क्या, तो बी क्या है, बी रूट थ्री, रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, ये भी एस का है, नेगेटिव वाले भी तो होते हैं, ये एस का है। बट a माइनस सी प्लस रूट थ्री देखो, a माइनस सी प्लस रूट थ्री, तो a माइनस सी प्लस रूट थ्री देखो कितना होगा, टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, जो कि s का मेंबर नहीं है। दैट इज a कॉमा c डज नॉट बिलोंग टू आर, आर में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब आपके मन में एक्साइटमेंट आया होगा, सर ऐसे एग्जांपल हमको और दिखाओ और बताओ, तो मैं दो आपको लिख देता हूँ आपके प्रेम में, कि ऐसा मेरे होशियार बच्चे करेंगे, करके देखेंगे, फिर अपने सर को व्हाट्सअप कर देंगे, लिख भेजेंगे, कमेंट में लिखेंगे। तो आइए आपको दो एग्जांपल देता हूँ, जिनको आप घर पे करके देखिएगा, और अगर आ जाएगा तो फिर मुझको लिख के भेजिएगा। तो ये नाइन्थ है, नाइन्थ में a कॉमा b सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ऑन आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये भी आर है, ये भी आर है, तो आप कहो तो मैं इसको एस कर देता हूँ, इसको आर कर देता हूँ, तो ये कौन हो गया आपका, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और दूसरा मैं एक और दे देता हूँ आपको, फिर आप बनाओ और करो, बताओ, तभी तो मजा आए, एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला आप बताना, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस और इक्वल टू वन ऑन कैपिटल एन, एन मालूम ही आपको, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाला है। तो ये दो केसेस मैंने आपको दे दिए, जिसमें आपको पता लगाना है और मुझको बता देना है, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपने दोस्तों को बताना कि भाई तुम भी समझो, मैंने काफ़ी समझ लिया है, तुम मत पीछे रहो,
देश के काम आओ, दूसरों के काम आओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपके अकेले आगे बढ़ने से कुछ भी नहीं होना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। और कोई फीस और कोई चार्ज मैं इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर।